कॉमेडी के बादशाह कपिल शर्मा ने फिल्मों से जुड़े अपने जीवन के संस्मरण को साझा करते उस घटना का जिक्र किया जब उन्हें शूटिंग के दौरान धक्के खाने पड़ रहे थे। रजत शर्मा के लोकप्रिय शो आपकी अदालत में सवालों का जवाब देते हुए कपिल शर्मा ने अमृतसर में फिल्म शूटिंग के दौरान की घटना के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि फिल्म गदर एक प्रेम कथा की शूटिंग अमृतसर में चल रही थी। मेरे पिताजी पुलिस में थे और उनकी वहां पर ड्यूटी लगी थी। उन्होंने कहा कि सनी देओल की फिल्म गदर एक प्रेम कथा की शूटिंग हो रही है, तुझे पार्टिसिपेट करना है तो आ जा। मुझे बड़ा शौक था फिल्मों का, मैं चला गया। सीन था कि अमरीश पुरी और अमीषा पटेल पाकिस्तान जाने वाले हैं। अमीषा पटेल रुक जाएंगी जबकि अमरीश पुरी साहब निकल जाएंगे। कुछ ऐसा सीन था कि देश का बंटवारा हो रहा है और बड़े बड़े बर्तन लेकर लोग सीमा के आर पार जा रहे हैं। किसी तरह मैं उनके करीब तक पहुंच गया। अमरीश पुरी और अमीषा पटेल सीढ़ियों से बिल्कुल मेरे आगे थे। अब उनको देखकर मुझे कुछ होने लगा, मैं रह नहीं पाया। फिर मैंने उनके ऐसे हाथों से इशारा कर दिया, तब वे घूमे और कहा, अरे कौन है भाई। धक्के अलग से पड़े और बेइज्जती अलग से हुई। बाद में मैंने गदर फिल्म देखी लेकिन मेरा कहीं अता पता नहीं था। बाद में सनी पाजी से मुलाकात हुई तो मैंने उन्हें बताया तो वे खूब हंसी। सनी देओल आए ही नहीं थे, उनका सीन कोई डुप्लीकेट कर रहा था। केवल मशाल लेकर घूमने के पीछे से शॉट लिए गए थे। हम सनी पाजी को देख भी नहीं पाए। धक्के अलग से पड़े, सीन अलग से कटा और बेइज्जती अलग से हुई।